देश भर में लॉकडाउन का आज छठा दिन है और जिस तरह से सोनीपत प्रशासन पूरी एहतियातन बरते हुए है और पुलिस प्रशासन सख्ती बरते हुए है उसका नतीजा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इस समय हम सोनीपत के प्रमुख चौक महाराणा प्रताप चौक पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के मुलाजिम जो है लगातार सड़कों पर मुस्तैद हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार सोनीपत शहर में मौजूद है और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ पूरी शक्ति के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि इस वक्त अगर कोरोना से जंग लड़ना है तो उन्हें अपने घर पर रहना होगा। इसके अलावा सोनीपत प्रशासन की बात करें तो सोनीपत में अब बाहरी लोगों के प्रवेश को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जगह जगह सोनीपत पुलिस ने नाके लगा दिए गए हैं ताकि बाहर का कोई भी व्यक्ति सोनीपत में प्रवेश ना कर सके। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है शहर में भी नाके लगाए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले लोगों को शहर के अंदर एंट्री ना मिल सके और लोग जो है सोनीपत की जनता जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसके लिए सोनीपत पुलिस प्रशासन ने सोनीपत ज़िले की सभी सीमाओं को सील कर दिया है। वहीं सोनीपत पुलिस ने अब बुज़ुर्गों के लिए भी घर में ही भोजन की व्यवस्था की है ताकि ऐसे बुज़ुर्ग जो किसी कारणवश घर से बाहर नहीं निकल सकते उन्हें घर में ही खाना मुहैया कराया जा सके। सोनीपत प्रशासन की ये मुहिम काबिले गौर है और जिस तरह से पुलिस लगातार सड़कों पर रहकर लोगों को जागरूक करने के अलावा पूरी सख्ती बरत रही है, अब लोग घरों में रहकर प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। कुछ एक लोग जो हैं अभी भी जागरूकता के बाद भी सड़कों पर निकले हैं जिनसे पुलिस पूरी सख्ती से काम कर रही है। कविता शर्मा, टोटल टीवी, सोनीपत।